पुलिस लाइन में 26 अजमेर रेंज खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आईजी संजीव नर्जरी ने किया शुभारंभ। चार जिलों के बीच होंगे मैच। अजमेर पुलिस लाइन में 26वीं अजमेर रेंज खेलकूद प्रतियोगिता 2019 का शुभारंभ किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में अजमेर रेंज की चारों जिलों की टीमों ने भाग लिया। नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर की टीमों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शुभारंभ सत्र के दौरान अजमेर रेंज आईजी संजीव नर्जरी ने सलामी ली और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर आईजी को सलामी दी। वहीं मार्च पास्ट के बाद अजमेर एसपी द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि अजमेर आईजी द्वारा खेलों के शुभारंभ की घोषणा की गई और बाद में एसपी द्वारा आईजी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके पश्चात आईजी ने अपना उद्बोधन रखा। इसी के साथ खेलों की शुरुआत हुई और आज पहला खेल कबड्डी खेला गया। यह प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी और जीतने वाले टीमों खिलाड़ियों को और जिलों को सम्मानित किया जाएगा। टीमें तो हैं, चारों जिलों की टीम है और पीटीएस किचन और जीआरपी अजमेर की टीम भाग ले रही है। अभी पहला मैच जो हुआ है, कबड्डी का मैच चल रहा है नागौर और भीलवाड़ा के बीच। क्या लगता है सर, इस तरह के मैच पुलिस के लिए होने चाहिए? देखिए, खेल हमेशा ही किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही और बहुत ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छे होते हैं। पुलिस जो लगातार स्ट्रेस में काम करती है, उसमें थोड़ा समय अगर वो अपने खेल को दे पाती है तो निश्चित रूप से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। आज अजमेर का अंतर रेंज अंतर जिला 26वें खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है। इसमें हमारे रेंज के चार जिले हैं और जीआरपी और पीटीएस किशनगढ़ में आए हुए हैं। तो ये हर साल होते हैं और इसमें जो भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उसको सिलेक्ट करके स्टेट लेवल में ले जाते हैं, जो नेशनल लेवल में भी खेलते हैं।